अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह जी, हम लोग पहुंच चुके हैं कैमरून हाईलैंड में, और हमारे साथ काफ़ी साथी हमारे इंडिया के, पाकिस्तान के, मुख्तलिफ मुल्कों के मौजूद हैं। ये हैं हमारे शहीर भाई फ्रॉम इंडिया, लखनऊ। इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मलेशिया में क्या कर रहे हैं? यूकेएम में। अच्छा, एंड आई एम जस्ट डूइंग द पीएचडी। माशाल्लाह। अनीस भाई से आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अनीस भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है जी? बहुत मजेदार, बहुत टेस्टी, ऐसी आइसक्रीम कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे सबसे इस टूर के जो है ना साथी भाई जान, आप जरा नाम और अपना इंट्रोडक्शन बताइए साथियों। आई एम सुहेल फ्रॉम इंडिया। माशाल्लाह सुहेल भाई, पूरी टीम जो है ना आप लोगों से इनका इंट्रोडक्शन कराएंगे थोड़ी देर बाद। ये इंशाल्लाह सारी की सारी टीम अभी खाने के लिए, लंच के लिए जा रही है। ये हम ताना राता बाजार पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, कैमरून हाईलैंड का जो मेन बाजार है क्लॉक टावर के पास। एंड वील ट्राई टू गेट द मले बुफे, मतलब उसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि ज़रा इजीली हम थोड़ा सा टाइम सेविंग तरीके से यहाँ पे कुछ खा लेंगे। ये जी हम उतर गए। ये एक फ्रूट का छोटा सा स्टॉल नज़र आ रहा है। ये यहाँ का लोकल फूड लगा हुआ है सर। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, सेहत? ओके जी। ये हमारे पास कुछ फ्रेश फिश लगी हुई है, फिश विद सब करी, चिकन, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड है। क्या बात है सुनील भाई, हम सबको सर्व कर रहे हैं। ये किसको चाहिए? किसी को चाहिए? आप ले लो, आप ले लो भाई, आप लोगों में से दो। जी देते जाएं सारी टीम को। ये जो दो भाइयों का हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, भाईजान ये है भाई फैसल। अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई कहाँ से? रावलपिंडी पाकिस्तान। जी मेरा नाम फरीद रहमान है, मैं बखर से। बखर पाकिस्तान, माशाल्लाह। ठीक है जी, शुक्रिया जी। आज हम ये, मतलब यहाँ का जो लोकल फूड है वो ये लेंगे साथ कुछ। ये यहाँ पर है वाइट राइस। ओके, वाइट राइस में मुख्तलिफ चिकन और फिशेस हैं यहाँ पर। ये हम थोड़ा सा यहाँ से ऐड करेंगे। ये इनका स्पाइसी चिकन विथ सम वेज। ठीक है जी, ये मज़े का है। इसके अलावा जी उनकी जो ये फिश है, इट्स गुड। ये हम थोड़ी सी फिश लेंगे। आ जाए, ग्रैब सम सैलेड। कुकम्बर तो बहुत पुराना लग रहा है। अच्छा, ये संबल है, ये चटनी है इनकी, लेकिन ये सुपर स्पाइसी, सो विल ट्राई टेकिंग इट वेरी लेस। ये एग प्लांट है, ये कुछ स्वीट सौर किस्म की सॉस है उसकी, फिश की। इस तरफ आ गया। ये जी हमारा लंच आ गया। क्या बात है, ये फिगरासा फिश है। ये तीन डिफरेंट फ्लेवर्स में बनाई जाती है, पाइनएप्पल के साथ। एंड दिस इज चिकन नगेट्स के साथ। ये जी कुछ फिश, वेज, सम चिकन, सेम हियर। तो ये माशाल्लाह जी, यहाँ पे खाने की जो है ऐसी तैसी करने के बाद हमारे साथी भी आगे सफर के लिए। जी हम सब ने खाना साथियों ने खा लिया है, और यहाँ से हम आगे जा रहे हैं टी पार्क, यहाँ का जो बोटानिक टी पार्क है ना, वहाँ पर इंशाल्लाह। ये यहाँ के साथी तैयार हो रहे हैं। जैसे बारबेक्यू स्टिक्स नहीं होती, ऑलमोस्ट वैसे ही एक दिन। Thank you.
पहुंच चुके हैं टी पार्क, और ये इसकी फ्रंट एंट्रेंस है। यहाँ से जो है यहाँ से गाड़ियाँ भी आप लोग लेके नीचे टी फॉर्म में जा सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपके पास जो है वो है वॉक करके नीचे जाना। हमारे जवान जो है ना एंट्री करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, एंड देन वी गो फर्दर। हाय ब्रो, जॉनिका, यहाँ पे ये वाली कार्स भी लेकर नीचे जाया जा सकता है। इट कैन ऑक्यूपाई अबाउट 12 पीपल। जी Count the tiger. Okay, count the tiger. We're going to buy the tickets from there. और फिर जो है हम यहाँ से जाएंगे। हाँ, ये counter number 3. ये यहाँ की bench है, इसको हाथ में बांध दिया जाएगा और then we walk in. शेर भाई हमारे टिकट ले रहे हैं। ओके, तो कैसे ये सारी टीम हमारी जो है ना रेडी आ जाए। ये जी हमारे हैं भाई डॉक्टर हारून साहब, उसे हाफिज साहब से को जी। ये हमने बैंड ले लिया, और यहाँ से हम खाने के बाद हम सब दोस्त टी पार्क पहुँचे। टी पार्क कैमरन हाईलैंड का एक ऐसा खूबसूरत, ऐसा दिलकश नज़ारा था जो कि शायद ही कहीं आपको देखने में मिलता। खूबसूरत चाय के बागात, और जहां तक नजर जाती सब कुछ सब्ज। हमने सोचा कि वॉक कर टी पार्क पूरा एक्सप्लोर किया जाए, और हम बाय वॉक नीचे जो कि एक छोटा सा वाटरफॉल था वहां तक सब के सब चल दिए। वापसी पर भी हमने वॉक प्रेफर की ऊपर आने के लिए। ये देखिए, ये यहाँ की चाय की पत्तियां, मतलब ये ऐसे करके ये होती है। अब ये जो ग्रीन ग्रीन है ये बिल्कुल फ्रेश है, और फिर इसको ये प्लग करते हैं। यहीं पर जो कुछ लोग हैं उसमें मुख्तलिफ बांग्लादेश और काफ़ी और मुल्कों के भी लोग होते हैं, उसको प्लग करते हैं। चलिए, सुभान अल्लाह, ये आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सबस जो है ना चाय के बागात हैं। ये वहाँ ऊपर से हम लोग नीचे उतरे हैं, वो जगह जो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से भी नीचे आए। कुछ लोग यहाँ गाड़ियों में भी आ सकते हैं, अगर आपको इस तरह की गाड़ी में आना है तो इट्स 15 ringgit पर पैक्स। पुरानी एक गाड़ी इन्होंने लाकर ना विंटेज टाइप की पार्क का नजारा खूबसूरत से खूबसूरत, और ये ट्रैक बनाया हुआ हमने अपना पहला, जैसा कि तकरीबन रेल की पटड़ी होती है उस तरह की। और सूरज गुरूब होने को था, हमने मगरिब की नमाज की तैयारी की और वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ चल दिए। वहाँ पहुँच कर हमने रात का खाना, एक स्टेडियम था वहाँ जाकर बारबेक्यू कर रात को मौसम और आउटडोर एक्टिविटी को एंजॉय करने का इरादा किया। ये जी Z1000 खड़ी हुई है, और ये हम अपने अस्सलाम वालेकुम, ये हम पहुंच गए अपने जवानों की तरफ। ये हमारा तैयार हो रहा है चावलों का प्रोग्राम। यहाँ पे माशाल्लाह हमारे जवान कर रहे हैं बारबेक्यू जी, कुछ हमारे आलू वगैरह और ये बाकी आइटम्स जो है ना पड़े हुए हैं। ये सारी हमारी टीम बैठी हुई है जी जवानों की। ये जी माशाल्लाह जी, अब सही ये तेल लगा रहे हैं जी इसको, चिकन को, और ये पीछे हमारे पूरा कैमरन हाईलैंड पानी बह रहा है। मतलब हमने इसको थोड़ा क्लोज भी रखे। शान का बिरयानी बम्बई मसाला कुछ चल गया है, यहाँ पे हमारे बराबर में आलू और बिरयानी का माल रेडी हो रहा है, और इधर हमारे जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, रात हो चुकी है, हम लोग कैमरन हाईलैंड में मौजूद हैं।
और बिरयानी बना रहे हैं पाकिस्तानी स्पाइसेस के साथ। इसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लिए हैं, मसाले वगैरह भी डल चुके हैं ऑलरेडी, कुछ आलू डाले हैं। अभी इंतज़ार है कि आलू थोड़े नरम हो जाए तो फिर इसके अंदर हम चावल और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे जी। अभी चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है हमारे चावलों के सिस्टम की। अभी भी थोड़ा सा टाइम है, आलू जो है वो पूरी तरह अभी नरम नहीं है, बस अभी इसमें चावल डालते हैं। शहीर भाई आप काइंडली जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पानी नहीं डालना है। खाना पकाते पकाते पानी हटा दिया, बच चुकी थी लेकिन सर इंशाल्लाह ना मटेरियल हमारा ऑलमोस्ट रेडी है और उसमें फिर पाकिस्तानी खाना। इसने हमें बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं कराया कि वक्त कितना लेट हो चुका था, लेकिन हमने अपना पकाया हुआ देसी खाना बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया और तकरीबन रात के 1 बजे के करीब अपने सारे सामान को समेट कर सारी जगह की सफाई कर कर वापस हम अपने अपार्टमेंट की तरफ चल पड़े और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया सब नेमतों पर। जी वी आर अबाउट टू चेक आउट, सारा सामान ले लिया है, सारे साथी हमारे जो है ना बिल्कुल एकदम रेडी हैं। ये हम पहुंचे हैं जी स्मर्फ विलेज, बहुत मज़े की जगह है ये, जैसे जो स्मर्फ कार्टून था उन्होंने की किस्म के घर बनाए हुए हैं और यहाँ पे कुछ बंगलो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये सामने विंड मिल है, ये एंट्रेंस है स्मर्फ विलेज की, यहाँ से हम एंटर होते हैं और ये सारे मशरूम स्टेप इन्होंने बनाए हुए हैं। कैमरून स्मर्फ इन, ये सब मशरूम्स से बने हुए हैं। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है लेकिन अभी करंटली बंद है। यहाँ से ये है कि आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो व्यू है ना वो मिलेगा। सामने ये गोल्फ कोर्स है, ये इन्होंने थोड़ी छोटी 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 टेबल्स बनाई हुई हैं लोगों को सर्व करने के लिए। ये बिल्कुल न्यू क्लॉक टावर यहाँ पे बनाया है। हम सबको प्योर जूस ले रहे हैं, बाकी आप देखेंगे जूसेस हैं और ये हमारे सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? बांग्लादेश से? माशाल्लाह। दिखाते हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज कैसी लगी होती है। ये इन्होंने यहाँ पर ऐसे ऐसे करके स्ट्रॉबेरीज लगाई हैं। ये सारी स्ट्रॉबेरीज दिख रही हैं, ये पूरा फार्म है स्ट्रॉबेरीज का। सारा जी फॉर्म स्ट्रॉबेरी का, वो उधर भी सारे का सारा स्ट्रॉबेरी का फॉर्म। ये भी कुछ ग्रीन है स्ट्रॉबेरीज, ये रेडी नहीं हुई और ये जो है छोटी छोटी कुछ स्ट्रॉबेरीज रेडी हैं। ये फॉर्म है और ये देख सकते हैं आप लोग काफी बड़ी बड़ी बीज इन्होंने बनाई हुई हैं यहाँ पर। ये यहाँ की जो है ना जी कॉर्न तैयार है ऑलमोस्ट। कैमरून आइलैंड बिल्कुल फ्रेश सब्जियों के, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश सब्जियाँ स्ट्रॉबेरीज के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर आपको हर किस्म की सब्जी दूसरी जगहों से
कुआलालंपुर सिटी या दूसरी जगहों से बहुत सस्ती मिलेगी, स्पेशली यहाँ की स्ट्रॉबेरी जो कि पूरे मलेशिया में बहुत ही पसंद की जाती है, यहाँ पर आपको बहुत सस्ते दामों में मिल जाएगी। और यहाँ पर ये चॉकलेट इस स्ट्रॉबेरी के साथ ट्रेंड है, चॉकलेट में डिप कर स्ट्रॉबेरी खाना। तो हमने भी कुछ ऐसा ही किया, कुछ स्ट्रॉबेरीज ली और साथ चॉकलेट के सेपरेटली बॉक्सेस लिए और हम अपनी अगली डेस्टिनेशन लेवेंडर गार्डन की तरफ चल पड़े। लेवेंडर गार्डन्स कैमरॉन हाइलैंड की सबसे खूबसूरत जगह, यहाँ पे आपको हर कलर के फूल मिलेंगे। डॉक्टर सोरा? हाँ डॉक्टर सोरा, हाँ ठीक है, देवास से लिमोब्लास नकाना से किलो। ओके, बच्चों का टिकट जो है वो 10 का, बड़ों का 15। ओके एक मिनट, इधर 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 टिकट काउंटर करेंगे। आप जाओ, आप एक एक करके एक एक करके एक एक करके सबर सबर। And you're last. Thank you. Okay, thank you. Okay, this we give for you. Thank you. Okay, wait. Go eat, huh? Okay. ये जो हमें free gift भी मिल गया है। ये क्या हो गया भाई? ये gift है जिसकी। सुभानअल्लाह, यहाँ से भी फूलों का निजाम शुरू है। अस्सलाम वरहमतुल्लाह, हाउ आर यू, कैसे हैं? ठीक है, हाय, बढ़िया। काफ़ी खूबसूरत किस्म के जो है ना फूल बनाए हुए आते हैं। ये मैंने ऊपर कैफे बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये बड़ी खूबसूरत एंशियंट किस्म की लकड़ी यहाँ पर इन्होंने जो है ना ये फिजिकल वुड है, वुड वगैरह लगाई हुई है, मतलब एक स्टिकर या डेकोरेशन नहीं है, ये प्रॉपर वुड है। टाइप पे मैंने छोटा सा ये मछलियों का जो है ना वो सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा, चूँकि धूप हो गई है यहाँ पे काफ़ी, तो हमें अभी थोड़ी सन ग्लासेस यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने ना मछलियों का सिस्टम किया हुआ है, पूरे बड़ी बड़ी मछलियाँ। काफ़ी शहद वगैरह बिक रही है, क्यों वापिंग में इन ती कपड़ों तो चो ओ ती कपड़ों तू जो और क्लाउड में इन कलुलो तो चो दो इन तुझे कलु दो ये बिक रही है 60 में, ये वाली है बहुत इन सम्मा पत्ता किसी पत्ता एक किसी पत्ता ओ दुकलो लप्पा या ये पप्पा के पपड़े हैं। ओके, ये 37 में व्हाट्स इट जैसे कैसे आ रहा तो यार अच्छा। यहाँ पर ये इसने शहद का जो है ना पूरा वो सिस्टम से बनाया हुआ है, और
ये क्या है? ये है भाई विशिंग ट्री। यहाँ पर आप बस कोई ख्वाहिश करो और फिर अल्लाह से दुआ करो, ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही पूरी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ इन्होंने सारी जो है ना शहद की मक्खियाँ एक तरह से बनाकर स्टोर की हुई हैं। ये ड्रोन बी कॉम है, ये तिबुअन हॉर्नेट है, ये भी एक किस्म की शहद की मक्खी का जो है ना वो घर वगैरह होता है। ये इन्होंने देखे, ये शाइनी ब्लैक हॉर्नेट, ये बड़ी वाली जो है ना शहद की मक्खी है, काले किस्म की, ये फिर सबसे बड़ी वाली है। और ये वास्पा, अच्छा ये सारा कुछ इसने बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो है ना ये इसने अपनी दुकान खोली है, यहाँ पर ये अपनी बेच रहा है मुख्तलिफ किस्म की शहद। ये बड़ा मज़े का इन्होंने शूज़ बनाया हुआ है, आप चेक करें शूज़ का साइज़। ये सारा जो है ना ये शूज़ है। और ये कैसल है छोटा सा, बहुत खूबसूरत सा इन्होंने जो है ना कैसल बनाया हुआ है, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। इसकी एंट्री है, इसका दरवाज़ा है अर्थुरुल गाजी वाला एंड अंटिल ऑल द वे अप। तो यहाँ से इसको जो है ना पानी के लिए बह रहा है, बिल्कुल चेक करते हैं कैसा पानी है, ठंडा एकदम मस्त ठंडा पानी है। एग्जिट जो है वो यहाँ से है, एक और दरख्त है जहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप लोग अपने जो है ना वो लगा सकते हैं, क्या कहते हैं विशिंग वाले वो, व्हाटएवर लाइक यू कैन ट्राई समथिंग हियर, अब अपना नाम वगैरह लिखकर किसी के साथ। ये देखें जैसे यहाँ पे लोगों ने बनाया हुआ है, आप उधर लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रहा हमारा लेवेंडर का जो है ना एक्सपीरियंस। और यहाँ से फाइनली हम एग्जिट हो जाएंगे। ये सारी टीम जो है ना फाइनली दोबारा बैठ गई है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा सफ़र तकरीबन इख्तिताम के करीब है, मगरिब होने वाली है ऑलमोस्ट, और हम वापस कुआलालंपुर की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे सारे दोस्त बैठे हुए हैं। अच्छा, इनसे हम मुख्तसर से पूछेंगे कि इस सफ़र से क्या फ़ायदा हुआ और क्या मैसेज है इनका, अगर इस तरह ग्रुप में मुख्तलिफ मुल्कों के, मुख्तलिफ शहरों के, मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोग एक साथ सफ़र करें तो किन चीज़ों को सामने रख कर किन चीज़ों से एहतियात बरतनी चाहिए और किस तरीके से सफ़र को खुशगवार बनाया जा सकता है। जी तो थोड़ा सा हम इंशाल्लाह अपने भाइयों से पूछेंगे। जी अनीस भाई, आप क्या फरमाना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब आप मुख्तलिफ लोगों के साथ जब निकलते हैं, नए लोगों के साथ निकलते हैं, तो उसमें आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि एक दूसरे का जो है आप उसमें एहतराम करें, बर्दाश्त का अनसर पैदा करें और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ पेश आएँ, तो इंशाल्लाह जो है उसमें अल्लाह ताला जो है आप में इत्तेफाक पैदा करेगा और एक मज़बूत आप लोगों का ताल्लुक बन जाएगा उससे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी और कोई भाई? जी जब भी हमारा सफ़र हो तो हम हमारे अंदर जो एक दूसरे के लिए जो है हमदर्दी है और जो अख्लाक है वो हमारा ज़ाहिर होना चाहिए, और जो भी हमसे गलती हो जाए सबसे पहले तो हम जो है माफ़ करने की कोशिश करें सबसे पहली बात, और इस चीज़ की हम फिक्र करें कि जो है हम जो है अल्लाह के लिए मिले हैं और अल्लाह ही के लिए पिछड़ रहे हैं। जी
अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक से भले दो, तो आप जब भी सफ़र करें तो अपने साथ जो है दोस्तों को लाजमी रखें, आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे बजाय आप अकेले सफ़र करें। तो इस वजह से आपके साथ एक दो साथी ज़रूर होने चाहिए। ओके बाय, शुक्रिया। सब ने इंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया, बहुत शुक्रिया आपका और बाकी दोस्तों का जिन्होंने जो है ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जी। व्यूअर्स बहुत मेहरबानी आप लोगों का देखने के लिए, और इंशाल्लाह चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।